ये कहता है एनर्जी लेवल ए बी सी हैव ए सर्टेन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, चाहे तो जिसको रिजल्ट याद है जो मेरा थियरी पढ़ा होगा देखा होगा, ठीक है अभी मैं अपलोड करूँगा तो वो इस क्वेश्चन को एक लाइन में लगा लेगा यार। अब जो नहीं अच्छे फैकल्टी से पढ़ा है बेचारे, वो इस क्वेश्चन को स्ट्रगल करेगा। इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अगर एनर्जी लेवल को हम ए बी सी से डिनोट करें, समझने की कोशिश करना, एनर्जी लेवल ए बी सी मतलब जो हाँ वन था वह ए हो गया, टू को बी लिख दिया और थर्ड को सी लिख दिया। अब कहता है एक ट्रांजिशन होता है ई से एनर्जी लेवल असर, अब इस तरह से कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सी की है, ऑब्वियसली जब हम इधर से इधर जाएंगे तो टोटल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है मैक्सिमम इन्फिनिटी पे। अब ट्रांजिशन सी से बी तक कंसीडर करो, तो सी से बी तक अगर कोई ट्रांजिशन हुआ तो इस ट्रांजिशन में जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा वन लैम्डा टू आर द वेव लेंथ, समझना लैम्डा वन लैम्डा टू आर द वेव लेंथ इंटर ट्रांजिशन, तो जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा वन है। चलो अब बी से ए तक देखो, बी से ए तक जो ट्रांजिशन हुआ उसमें जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा टू है, ठीक है। अब सी से ए तक जो ट्रांजिशन हुआ तो सी से ए तक, सी से ए डायरेक्ट जो हो गया, समझ रहे हो, जो डायरेक्ट हो गया सी से ए उसमें निकला लैम्डा थ्री। अब ये एक बच्चा है जिसको जो जो स्मार्ट है या किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ा है, या मैं कभी अपलोड करूँगा थियरी तो मैं मेरा थियरी देखना कभी बहुत बेहतर तरीके से सारा चीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा जो उसको पता है एक रिजल्ट पता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी सेल में है और वो डायरेक्ट ग्राउंड को जाता है और अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेट से जाता है तो जो लैम्डा बनता है, जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी जो एनर्जी है डेल्टा ई सी की एनर्जी डेल्टा ई ए और प्लस डेल्टा ई बी के इक्वल है, ठीक है, इस वाले ट्रांजिशन से और इस वाले ट्रांजिशन के दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू होता है एस सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा थ्री एस सी अपॉन लैम्डा थ्री यहाँ से, ठीक है। अरे भाई यहाँ से एस सी अपन लैम्डा थ्री मस्ट बी इक्वल टू एस सी अपन लैम्डा वन प्लस एस सी अपन लैम्डा टू, मतलब यहाँ से लैम्डा थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा वन लैम्डा टू और डिवाइडेड बाई लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। तो वो जो रिजल्ट है वो मतलब डी ऑप्शन सही है। अगर ये नहीं आता, मान लो हाँ मान लो ये चीज़ नहीं सीखे हो, ये चीज़ नहीं सीखे हो तो इसको तुम लगा सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम आ जाएगा। और इस रिजल्ट को याद रख लो, क्या रिजल्ट है भाई, ग्राउंड स्टेट में अगर जाना है और किसी भी हायर ऑर्बिट में है तो जितने भी ट्रांजिशन करेगा बीच में और फिर डायरेक्ट ट्रांजिशन, वो इंडिविजुअल ट्रांजिशन की जो एनर्जी है डायरेक्ट ट्रांजिशन के सम के इक्वल होती है, डिफरेंस मतलब ये वाली जो एनर्जी डिफरेंस है ये इसके इक्वल होती है। अगर नहीं तो नहीं याद है तो फिर इसको देखो यहाँ से करो, तो यहाँ से बी से सी, सी से गया तो मान लो पहले पहला वाला ट्रांजिशन लैम्डा वन के बारे में देखो, लैम्डा वन मतलब डेल्टा डेल्टा एनर्जी बी सी, बी सी ट्रांजिशन में एनर्जी कितनी होगी बोलो, एनर्जी होगी मैग्नीट्यूड हायर वाले में से एनर्जी ऑफ सी आर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ बी आर्बिट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल्टा एनर्जी इन सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट बी ए, तो बी ए में एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ बी और माइनस एनर्जी ऑफ ए, और डेल्टा ई एनर्जी इस वाले में एनर्जी हो जाएगी सी से ए में, तो एनर्जी सी से ए में आ जाएगी डेल्टा ऑफ सी माइनस डेल्टा ऑफ ए। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब तुम्हें काम करना है फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ
तो मुझे डेल्टा ई बी सी प्लस डेल्टा ई बी ए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ई बी ने ई बी को, तो ये आ जाएगा ई सी माइनस ई ए। अब अगर अच्छे से देखोगे तो ई सी माइनस ई ए वो कुछ नहीं है, डेल्टा एनर्जी इन सी ए है। तो एक तरह से मैं डिराइव कर दिया, तो ये जो डेल्टा ई बी सी है प्लस डेल्टा ई बी ए है ट्रांजिशन में, वो इसके इक्वल होगा। अब वैल्यू रख दो इसमें, बी सी में, बी सी में कहाँ गई भाई, बी सी, बी सी में लैम्डा वन निकला था, तो एनर्जी की वैल्यू एस सी अपन लैम्डा वन, और इसमें निकला था एस सी अपन लैम्डा टू, और इसमें निकला था एस सी अपन लैम्डा थ्री। तो अब यहाँ से एस सी ने एस सी को ख़त्म कर दिया, और ये लैम्डा थ्री की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना और वो अपना आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखो यार फिजिक्स का, यही तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। और